तो भाई देखो, दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जो दिमाग से आधे होते हैं, और दूसरे होते हैं कमरान अकमल जैसे, यानी जिनके पास दिमाग ही नहीं होता है, पूरे तरीके से बद दिमाग, कुछ भी बोलते हैं, अनडिसेंट, मुंह में जो आए बस बक देते हैं, एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे कुछ तर्क भी है, उसका कुछ लॉजिक भी है, या फिर मैं कुछ भी बोले जा रहा हूं। भाई कसम से कल के दिन कमरान अकमल ने ऐसी बात कही है कि मुझको नाना पाटेकर का वो डायलॉग याद आ गया कि भगवान ने जुबान क्या दे दी तो लगे कुछ भी बोल लें। क्योंकि भाई के दिन पाकिस्तान के एक टॉक शो के दौरान कमरान अकमल एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि जो उनके भाई हैं उमर अकमल, उनके स्टैट्स विराट कोहली से बेहतर हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन हमारे पास कोई पीआर टीम नहीं है, इसलिए यह बात कोई जानता ही नहीं है कि उमर अकमल की परफॉर्मेंस विराट कोहली से बेहतर रही है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब आसान भाषा में किसी ना किसी तरीके से जो कमरान अकमल हैं वो ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि T20 फॉर्मेट के अंदर जो उमर अकमल हैं वो विराट कोहली से बेहतर प्लेयर हैं, लेकिन उमर अकमल की बात हम लोगों ने इतनी करी नहीं, हमने एडो में उनकी बात चलाई नहीं, इसीलिए लोग इस बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। विराट कोहली के पीछे एक पीआर टीम बैठी है जो हर वक्त बस विराट का पीआर करती रहती है, इसीलिए लोग विराट कोहली के बारे में जानते हैं। मतलब भाई इससे भाईयात बात, इससे बेहूदी बात मैंने किसी क्रिकेटर के मुंह से, क्या किसी के भी मुंह से आज तक नहीं सुनी। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से भाई किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा है कि चाहे दुनिया का कोई भी नशा लो, लेकिन ये 24 घंटे गांजा मत फूका करो। क्योंकि जब भाई आप यूं कमरान अकमल की तरह 100 किलो गांजा फूक के टॉक शो पे आ जाते हो तो फिर ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। यार कमरान अकमल मतलब तू दो पल के लिए भाई कुछ भी बोल देता, तू बोल देता कि चेतेश्वर पुजारा हिटर है, मैं मान लेता। तू बोल देता कि भाई अगले सीजन में RCB IPL ट्रॉफी जीतेगी, मैं वो भी मान लेता। अरे तू कह देता कि बाबर आजम बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है, हर बड़े मैच में चलता है, मैं वो भी मान लेता। लेकिन तू कह रहा है कि उमर अकमल विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है T20 वर्ल्ड कप और T20 फॉर्मेट के अंदर, हद होती है भाई। और भाई तुमको पता है कमरान अकमल ने अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए तर्क क्या दिए हैं, सबूत क्या दिए हैं? कमरान अकमल का ये कहना है कि अगर आप ये देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर स्ट्राइक रेट किसकी बेहतर है तो वो उमर अकमल की बेहतर है, और उमर अकमल का जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी असल में विराट कोहली से बेहतर है, तो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी उमर अकमल की विराट कोहली से बेहतर है। मतलब भाई गजब लॉजिक, मजा ही आ गया ऐसी फालतू बात सुन के। भाई मतलब किसी की भी अगर स्ट्राइक रेट कोहली से बेहतर है और किसी ने किसी एक मैच में हाईएस्ट स्कोर जो है वो विराट कोहली से बेहतर मार दिया है तो वो उस टूर्नामेंट का बढ़िया प्लेयर हो गया। भाई ये कहां से लाते हैं ऐसी बातें? कसम से भाई आज के दिन मुझको वो मीम खुद से बोलने का मन कर रहा है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। क्योंकि भाई अगर आप सच में भी उमर अकमल और विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि उमर अकमल ने T20 वर्ल्ड कप में कुल 18 इनिंग खेली है, 4 बार नॉट आउट रहे हैं, एवरेज रही है 486 की, हाईएस्ट स्कोर 94 कर रहा है और कोहली का 89 कर रहा है। मतलब इनका हाईएस्ट स्कोर बस 5 रन ज्यादा है। वहीं पे एवरेज जो है उमर अकमल की T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर वो मात्र 34.71 की है, 3 अर्धशतक जड़े हैं, 3 बार 0 पे आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट है 132.43 की, और वहीं पे अगर विराट कोहली की स्ट्राइक रेट देखें तो वो है 130.52 की। मतलब स्ट्राइक रेट में भी कुछ मात्र 1.5-2 का अंतर है, और भाई उस चीज का ढिंढोरा वो इस बात के लिए पीट रहा है कि सिर्फ इस बेसिस पे विराट कोहली उमर अकमल से कमजोर प्लेयर हो जाएगा। वरना भाई अगर आप बाकी चीज देखें तो भाई विराट कोहली ने साल 2012 से लेकर साल 2024 तक कुल 28 इनिंग खेली है T20 वर्ल्ड कप में, रन मारे हैं 1146, हाईएस्ट स्कोर रहा है 89 नॉट आउट का। मतलब ये गलती भी विराट कोहली की है कि वो मैच असल में जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि विराट कोहली ने वो मैच इंडिया को जिता दिया। अगर वो मैच खत्म नहीं हुआ होता तो भाई उस मैच में विराट कोहली जो है 100 भी मार सकते थे। अरे पिछले ही साल T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था, जब 82 नॉट आउट मारे थे, भाई वो मैच भी खत्म नहीं होता तो क्या पता उस मैच में भी हाईएस्ट स्कोर विराट कोहली का उमर अकमल से बेहतर हो जाता। मतलब ये क्या लॉजिक है कंपैरिजन का? लेकिन भाई जब हम दोनों ही प्लेयरों की स्ट्राइक रेट पे नजर डालते हैं तो जहां उमर अकमल की स्ट्राइक रेट T20 वर्ल्ड कप में 34.71 की थी तो वहीं विराट कोहली की स्ट्राइक रेट है 67.41 की, और ये 67.41 भी तब है जब विराट कोहली
पिछले 3 मैचों में पूरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। वरना भाई इस वर्ल्ड कप से पहले तो विराट कोहली की एवरेज 70 के पार चल रही थी, तो भाई असल में ये एवरेज ही है जिस बेसिस पे कंपैरिजन होना चाहिए। हाँ, स्ट्राइक रेट में बहुत ही ज्यादा अंतर होता और एवरेज थोड़ी सी कम भी होती तो मैं कहता कि चलो भाई स्ट्राइक रेट भी मैटर करती है, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट में मात्र 1.5-2 का अंतर है, ढिंडोरा पीट रहे हैं दूसरी तरफ हाईएस्ट स्कोर का, और एवरेज के मामले में बंदा आधे पे खड़ा हुआ है लेकिन कह रहा है कि वो प्लेयर इससे बेहतर है। भाई कसम से सामने मिल जाए ना इस समय कमरान अकमल तो 2 कान के नीचे चिपका दूं। भाई देखो, सबसे पहले तो दोनों ही प्लेयरों का हाईएस्ट स्कोर कंपेयर करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। स्ट्राइक रेट में जैसा मैंने कहा मात्र 1.5-2 का अंतर है, उसके बाद लेकिन जैसे ही नजर जाती है एवरेज पे तो भाई इतना भारी अंतर है जो असल में ये साबित करता है कि कौन सा प्लेयर ज्यादातर मैचेस में चला है, कौन सा प्लेयर अपनी टीम के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा है, कौन सा प्लेयर असल में T20 वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट रहा है, और इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा प्लेयर दूसरे प्लेयर से ज्यादा बेहतर है। मतलब इन भाई साहब के हिसाब से कल को भाई कोई बॉलर आके 100 रन मार दे किसी मैच में तो वो कोहली से बेहतर हो जाएगा क्योंकि उसका हाईएस्ट स्कोर कोहली से ज्यादा है। भाई ये क्या आदमी है। और भाई ये जो लोग होते हैं ना जो बात बात पे ऐसी बातें करते हैं कि इनकी पीआर टीम ज्यादा काम करती है, इनका पीआर बहुत अच्छा होता है, गौतम गंभीर भी ये बात अक्सर करते रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। पॉलिटिक्स होती है वगैरह वगैरह वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन भाई ये जो पीआर वाला ढिंडोरा पीटते हैं ना, खासकर वो लोग जिनका खुद का कुछ पीआर नहीं हुआ या जिनको खुद को वो इज्जत नहीं मिली जो इज्जत किसी और को मिल रही है, वही लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा भाई पीआर असल में सक्सेसफुल ही उसी का हो पाता है जो असल में खुद सक्सेसफुल होता है। अगर पीआर से ही सब कुछ हो जाता है तो भाई अर्जुन कपूर को दुनिया का बेस्ट एक्टर बना दो, कर दो पीआर, नहीं कर पाओगे ना। पीआर उसी का सफल होगा जो असल में अच्छा एक्टर है। ऐसे ही भाई क्रिकेट के अंदर लोग असल में पीआर करते ही उस क्रिकेटर का है जिस क्रिकेटर को लेके लगता है कि हां भाई ये डिजर्व करता है इसका पीआर हो, जिसको लेके वो श्योर रहते हैं कि भाई अगर इसका पीआर करेंगे तो जनता जो है वो कन्विंस होगी कि हां भाई इसके बारे में जो बात कही जा रही है ये बात असल में इसके लिए ही कही जा सकती है। ये जो सभी ब्रांड्स होते हैं भाई वो जानबूझ के कराते ही अपने एड उस प्लेयर से हैं जिसको लेके वो कन्विंस रहते हैं कि अगर ये बोलेगा कि भाई ये चीज खरीद लो तो जनता जो है वो इसको मानती है और इसके कहने पे वो चीज वो खरीदेगी। और भाई देखो इतिहास उठा के देख लो, हमेशा उसी क्रिकेटर का पीआर हुआ है जिसका वक्त अच्छा चल रहा था। हर अच्छे प्लेयर का जैसे ही बुरा वक्त आता है पीआर भी कम होने लगता है, ब्रांड जो है वो दूर भागने लगते हैं। अभी हाल ही में जब केकेआर ने ट्रॉफी जीती तो भाई चारों तरफ कोई श्रेयस अय्यर की बात कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, सब यही कह रहे थे कि गौती भाई टीम में आए, और आते ही भैया केकेआर को ट्रॉफी जिता दी। उस वक्त पे भाई किसी ने ये नहीं बोला देखो यार गौती भाई का मस्त पीआर हो रहा है, गौती भाई की फैन फॉलोइंग तगड़ी बन रही है, भाई इतना ज्यादा पीआर हो गया कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच कंसीडर करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो डिजर्व नहीं करते कोच बनना, मैं कह रहा हूं कि वो एक अच्छे कोच बन सकते हैं, लेकिन भाई ये भी एक पीआर ही है। ऐसा ही भाई किसी दूसरे क्रिकेटर को लेके हो जाता, कोहली को लेके, धोनी को लेके, तो भाई बहुत से लोग उछल के अपने बिलों से निकल आते और कहने लगते देखो भाई एक और ट्रॉफी क्या जीत ली, या फिर एक ट्रॉफी क्या जीत ली और दुनिया वापस से इनका ढिंडोरा पीटने लगी, इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। धोनी के बारे में तो लोग यही कहते हैं कि भैया वापस से आए कुछ खास करे नहीं, 10 बॉले खेलते थे ट्रॉफी जीत गई तो क्रेडिट उनको मिल रहा है, तो गौतम गंभीर ने तो एक भी बॉल नहीं खेली लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट जो है भाई उसी को मिला था, उसी को मिल रहा है, और आगे भी अगर केकेआर जीतेगी और वो उसके मेंटर होंगे तो क्रेडिट उसी को ही मिलेगा, लेकिन उस वक्त पे गौती भाई ये बात नहीं करेंगे। खैर थोड़ा सा मैं मुद्दे से भटक गया था क्योंकि भाई ये पीआर शब्द जो है कसम से भाई मेरे को ट्रिगर कर देता है, लेकिन फिलहाल भाई अगर वापस से एक बार मुद्दे पे लौटे जहां हम कह रहे थे कि कमरान अकमल ने उमर अकमल और विराट कोहली को कंपेयर किया है, वो भी भाई सिर्फ इस चीज के बेसिस पे कि उमर अकमल का हाईएस्ट स्कोर ज्यादा है वो भी मात्र 5 रन से, और उमर अकमल की स्ट्राइक रेट ज्यादा है कुछ 1.5-2 से। लेकिन भाई जैसा कि मैंने आपको पूरी असलियत से अच्छे से रूबरू करा दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों के T20 वर्ल्ड कप के जो स्टैट्स हैं उनमें कितना जमीन आसमान का अंतर है, और भाई ये तो बात देखो सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की है, अगर हम T20 फॉर्मेट के स्टैट कंपेयर करेंगे ना तो भाई तुमको पता है उमर अकमल ने कुल 84 T20 मैच खेले हैं, 1690 रन मारे हैं, एवरेज मात्र 26 की है, और स्ट्राइक रेट भाई साहब की 122
22.73 की है। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो भाई अब तक 120 टी20 मैच खेल चुके हैं, 4042 रन जड़ चुके हैं, 49.9 की एवरेज है। उमर अकमल की थी मात्र भाई 26 की और विराट कोहली की है 49.9 की। वहीं पे उमर अकमल की स्ट्राइक रेट थी मात्र 122.73 की, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट है टी20 इंटरनेशनल में 137.91 की। लेकिन भाई वंस अगेन कमरान अकमल कहेंगे ये तो सब पीआर है, भाई कसम से बता रहा हूं बस ये मिल जाए तो कान के नीचे इतनी तेज मारू ना कि 6 महीने तक कौन क्या बोल रहा है सुनाई नहीं पड़ेगा। अब देखो भाई मैं यहीं पे अपनी बात पे विराम लगाता हूं। बेकार में मैं विराट कोहली और उमर अकमल के ओडीआई और टेस्ट के स्टैट्स को तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, वरना उमर अकमल खुद जाके कमरान अकमल के दो कान के नीचे लगाएंगे और कहेंगे क्या जरूरत थी ये बात बोलने की। सच बता रहा हूं भाई इस समय उमर अकमल भी यही सोच रहे होंगे कि हे भगवान जिंदगी में चाहे किसी को कैसा भी भाई दे देना लेकिन कमरान अकमल जैसा भाई ना देना कि बातें वो करे और ट्रॉल जो है भाई को होना पड़े। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग का कमरान अकमल के इस वाहियात से स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे ये जो पीआर को लेके बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो अपने ही देश के कई लोग करते हैं इस पे आपका क्या टेक है अपना कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।